once again. हेलो फ्रेंड, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो, मैंने एक फिगर में प्रोटेक्टेड टाइप फ्लैंज कपलिंग का फिगर आपको दिखाया है। ये दो पार्ट में है। यहाँ पर एक ये देख सकते हो, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। इस पार्ट में क्या है, यहाँ पर दो फ्लैंज हैं, एक फ्लैंज ये है और एक फ्लैंज ये, दो फ्लैंज हैं जिन्हें हमें आपस में जोड़ना है। इसके साथ जुड़ा हुआ है यहाँ पर ये बॉस, एक बॉस ये लगा हुआ है और एक बॉस ये लगा हुआ है। इस बॉस के इंटरनल डाई में ये वाली शाफ्ट की के थ्रू लगनी है, ये यहाँ पर की है, और दूसरी की यहाँ पर दूसरी शाफ्ट में लगनी है जो कि 90 डिग्री पर होगी इस की से। और यहाँ पर भी एक बॉस है जिसमें कि दूसरी शाफ्ट लग जाएगी। इन दोनों के बाद यहाँ पर इन दोनों फ्लैंजेस को जोड़ने के लिए यहाँ पर चार बोल्ट हैं, जैसा कि लिखा हुआ है। इन चार बोल्टों में, चार होल में चार बोल्ट लगने हैं, ये चार बोल्ट यहाँ पर लिखे हुए हैं। इन चार बोल्टों को इन चार होल में लगाकर हम इन दोनों फ्लैंजों को आपस में जोड़ देते हैं। अब जोड़ने के बाद ये कैसी दिखाई देगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह से जोड़ने के बाद ये दिखाई देगी। हमें क्या क्वेश्चन मिलेगा, हमें क्वेश्चन मिलेगा जैसा कि दिखाया गया है चित्र में, फ्लैंज टाइप कपलिंग का विवरण दिया गया है, कपलिंग के निम्नलिखित दृश्यों को बनाइए। कैसा दृश्य बनाना है, हाफ सेक्शनल फ्रंट व्यू बनाना है और साइड व्यू बनाना है। तो इस फिगर को अगर हम सामने से देखेंगे तो हमें ऊपर ऊपर का सिरा जो है वो केवल हाफ सेक्शनल दिखाई देगा। तो इस प्रकार से जैसा मैंने ये फिगर नीचे वाली दिखाई है आपको बी पार्ट में, ऐसे हमें इस ऊपर वाली फिगर को अलग अलग पार्ट्स को असेंबल करके बनाना है। असेंबली में आपको क्या दिया होगा, कैसी फिगर दी होगी, ये मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। जैसा आप फिगर में देख सकते हो, मैंने यहाँ पर दोनों कपलिंग के फ्लैंज दिखाए हैं। ये फ्लैंज हैं ऊपर से, दोनों सेम होंगे जैसा कि अभी आपको फिगर दिखाई थी। यहाँ पर ये बॉस है और इनके डायमीटर्स यहाँ पर साइड में आप देख सकते हैं। बॉस का डायमीटर 100 दिया हुआ है और ये PCD दिया हुआ है, पिच सर्किल डायमीटर, जहाँ पर हमें बोल्ट फिट करना है उसका जो है डायमीटर दिया गया है। चार बोल्ट लगने थे। उसके ऊपर फ्लैंज के लोअर फेस का डायमीटर दिया हुआ है, अपर फेस का डायमीटर दिया है। फाई मैंने बताया था आपको किसको डिनोट करता है, फाई डिनोट करता है डायमीटर को। तो फाई का मतलब है कि ये गोल है, राउंड है। और सेम जैसी ये इस फ्लैंज में डायमेंशन है, वैसे ही यहाँ पर आप दूसरी फ्लैंज में डायमेंशन देख सकते हैं। अब इन दोनों फ्लैंज को बनाकर हमें क्या करना है, दोनों को एक साथ मिलाकर बनाना है। फिर इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं की वे बनाया हुआ है, इसमें ये वाली की लगानी है, की डायमेंशन आप देख सकते हो। ऊपर दोनों को मिलाकर ये वाला बोल्ट फिट करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो, और साइड में से ये नट इसमें लगाना है। यानी यहाँ पर हम ऊपर इस साइड में यहाँ पर दोनों को मिलाकर एक नट लगाकर दिखाएंगे, ऊपर वाले एरिया में यहाँ पर इस फेस पर, यहाँ पर इस नट के लिए, बोल्ट के लिए यहाँ पर हम देख सकते हैं डायमेंशन दी गई है 4 × 5 16। यानी 5 16 का मतलब कि 16 का डायमीटर है। और यहाँ आप देख सकते हैं, अब यहाँ भी जो बोल्ट है उसका डायमीटर क्या दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। तो यानी ये चार बोल्ट हैं, चार, 4 का मतलब है 4 × 5 16 का मतलब है कि चार बोल्ट हैं जिनका डायमीटर 16 है। और यहाँ पर ये बोल्ट की डायमेंशन दी गई है, 16 जो है यहाँ पर डायमीटर है इस बोल्ट का, यानी ये डायमीटर इस होल से पास होगा। तो हम केवल क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाएंगे, तो ऊपर वाले एरिया में हमें केवल बोल्ट दिखाई देगा लगा हुआ, बाकी नीचे हमें कोई बोल्ट नहीं दिखाई देगा। अब ये जुड़ने के बाद कैसा दिखाई देगा, आप देख सकते हैं, ये जब एक साथ असेंबल हो जाएगा तो आपको ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। हमें ये वाली फिगर ध्यान में रखनी है, इस तरह से ये हमें दोनों को कंबाइन करके बनाना है। आप देख सकते हैं मैंने नीचे बोल्ट लगाया हुआ है, जितनी भी डायमेंशन ऊपर दी गई है इन सब का यूज़ करके हमें इस तरह की फिगर नीचे बनानी है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर। और इसका ये साइड व्यू आप साइड में देख सकते हो जो कि प्रोजेक्शन से बनेगा। साइड व्यू मैं बता दूंगा आपको, पूरा का पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो फिगर मैंने दिखाई गई है साइड में, तो हम ये एक पार्ट है फ्लैंज बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये सेंटर लाइन ड्रॉ कर ली है। अब आप ये देख सकते हैं इसमें सबसे पहले जो आउटर डायमेंशन दी गई है, यहाँ पर लिखा हुआ है फाई 216।
तो हमें सबसे पहले ये आउटर डायमेंशंस, आउटर डायमीटर है ये, फाई किसको डिनोट करता है, डायमीटर को, फाई से हम डायमीटर को डिनोट करते हैं। इसका मतलब कि ये जो है फ्लैंज यहाँ से गोल है, तो इससे इसके लिए हम क्या करेंगे, 216 को दो भागों में डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 108, 108 सेंटर लाइन के नीचे पॉइंट निशान लगाएंगे, 108 पॉइंट ऊपर। तो यहाँ पर जो मैंने डायमेंशन लिए है, ये हाफ डायमेंशन लिए है, यानी कि 1:2 के रेशियो में मैं ये यहाँ पर फ्लैंज बना रहा हूँ। जितना बड़ा आप डायग्राम बनाएंगे उतना अच्छा है। तो मैंने इस डायमेंशन, इन डायमेंशंस को हाफ करके लिया हुआ है। तो यहाँ पर जैसे 216 है तो मैंने ये 108 मानी है, और 108 के यानी 54 नीचे काटा है, 54 ऊपर काटा है, इस प्रकार से। तो आप फुल डायमेंशन में बनाइएगा, 216 दी हुई है डायमेंशन, तो आप 108 ऊपर सेंटर लाइन से, 108 नीचे। इसके बाद दूसरी डायमेंशन इसमें दिखाई दे रही है, फाई 200, यानी ये भी राउंड है, गोल है, फाई का मतलब गोल, 200 यानी सेंटर लाइन से 100 ऊपर और 100 नीचे, एक और पॉइंट लगा लेंगे और इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे। इसके बाद आप देख सकते हो ये 21 जो है अंदर की ओर गया हुआ है, ऊपर 48 देख सकते हो, सबसे ऊपर दी हुई है डायमेंशन 48, तो सबसे ऊपर 48 वाली डायमेंशन मार्क कर लेते हैं और उसी के पैरेलल नीचे, नीचे मार्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नीचे हमने ये पॉइंट लगा लिया और ये यहाँ पर नीचे भी हमें 48 मिल गई, क्योंकि जैसी डायमेंशन ऊपर है ऐसी ही नीचे है। अब इसके बाद में हमें दिख रही है डायमेंशन 21, तो अब नीचे की ओर हम 21 काट लेते हैं, 21 ये मार्क कर लिया, जैसी ऊपर है ऐसे ही नीचे मार्क करेंगे। और ये सारा वर्क जो करना है पहले लाइट करना है हमें, लाइट वर्क, अब इसके बाद हमने क्या बनाना है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमें हब बनाना है जिसमें कि शाफ्ट फिट होगी, जैसे मैंने शुरू में ही आपको बताया था। तो हब की डायमेंशन यहाँ पर दी गई है, आप देख सकते हो 80 डायमेंशन इसकी दी गई है स्टार्टिंग से, तो यहाँ पर आप, आपको जितनी सूटेबल लेंथ लगे जहाँ से लेना चाहें आप, चाहे तो 80 से 46 माइनस करके आगे आगे ले लीजिए, या फिर आप देख सकते हैं 34 ले सकते हैं, 21 34 ऊपर लिखा हुआ है सबसे ऊपर, तो ये मार्क कर लेते हैं और लाइट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। आप देख रहे हो मैं सारी डायमेंशन जो है हल्की खींच रहा हूँ लाइट यानी के, और इस प्रकार से ये हब बन जाता है। साइड से ऊपर से नीचे की ओर मिलाते हुए एक लाइन, और यहाँ पर आप साइड, आप देख सकते हो साइड में एक छोटा सा सिरा बाहर निकला हुआ है 5 mm का, नीचे डायमेंशन दी गई है जहाँ पर ये 555 लिखा हुआ है, 575 इसके पास में देख सकते हो डायमेंशन 5 mm की दी गई है, तो ये 5 mm की डायमेंशन मैंने यहाँ पर मार्क कर दी। और इस फ्लैंज में हमें अब दूसरी वाली जो फ्लैंज है उसे लाकर मिलाना है, यहाँ पर ये एक फ्लैंज बन जाती है, दूसरी फ्लैंज है इसे मिलाकर हमें इस फ्लैंज को बनाना है। तो दूसरी फ्लैंज भी बिल्कुल ऐसी ही है जैसे ये बनाई हमने, देख सकते हो आप, मैंने दिखाई है फिगर में, डायमेंशन इसकी भी सेम है जैसे साइड में थी, तो हम यहाँ से प्रोजेक्शन से, साइड से प्रोजेक्शन लेंगे और 46 की डिस्टेंस यहाँ पर कट कर लेंगे दूसरी साइड में, और ये 80 की डिस्टेंस मार्क कर लिए, 46 की डिस्टेंस, और इस प्रकार से ये दूसरा हब बन जाएगा। तो दूसरा हब बनाने के लिए ये प्रोजेक्शन डाल देते हैं, प्रोजेक्शन डाल दिया हमने साइड से, तो हमें इसकी वेट मापने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार से नीचे जैसा ऊपर है नीचे ऐसी सेम शेप नीचे होगी, ये
परसेंट प्रोजेक्शन लेके और कर दिए, मेजरमेंट की जरूरत नहीं है। तो इसके बाद ऊपर से मैंने अब 48 माप रखा है हब, और तो साइड से हब के प्रोजेक्शन लिया है। ये साइड से मैंने हब के प्रोजेक्शन लाकर यहाँ पर ये काट दिया। ये दूसरा हब भी तैयार हो जाता है। इसके बाद में इसके अंदर हमने एक शाफ्ट लगाई है जिसका डायमीटर 25 है, यानी 50 है तो 25-25 सेंटर लाइन से ऊपर लेंगे, 25 नीचे लेंगे। और ये शाफ्ट हब में लगा देते हैं। हब में शाफ्ट लगाने के लिए की का यूज़ किया गया है, तो पहले हम शाफ्ट लगा देते हैं, क्योंकि कपलिंग का यूज़ हम शाफ्ट की लेंथ को बढ़ाने या दो शाफ्टों के बीच मोशन ट्रांसमिट करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर हम शाफ्ट बना देते हैं पहले। शाफ्ट की लेंथ आप कितनी भी ले सकते हो साइड में, जैसा मैंने दोनों साइड में एक साइड कम शाफ्ट लिया एक साइड ज़्यादा शाफ्ट लिया, तो ये आप कितनी भी ले सकते हो जितना ड्राइंग में स्पेस हो। जैसे कि आप साइड में देख सकते हो, आप दोनों साइड में इक्वल लोगे तो कुछ अच्छा लगेगा, बट यही है, कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपने एक तरफ ज़्यादा ले लिया एक तरफ कम ले लिया। आप फिगर देख सकते हो, फिगर में दोनों साइड में शाफ्ट लगाई है इक्वल, तो ये कम बढ़ती ले सकते हो आप। अब इस तरह की जैसा कि आप फिगर देख रहे हो, ऐसी हमें अपने दिमाग माइंड में रखनी है कि ये दोनों फिगर जो है इस तरह से असेंबल हो जाएंगी। अब हमने क्या करना है, बोल्ट लगाना है ऊपर, तो बोल्ट के लिए हमने सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और ये सेंटर लाइन की डिस्टेंस आपको दी गई होगी फिगर में जो पीछे दिखाई थी अभी। तो हमें यहाँ पर क्या लगाना है, नट और बोल्ट लगाना है, और नट और बोल्ट की डायमेंशंस जो है वो आपको फिगर में दी गई होगी। अगर ये आपको फ्री हैंड बनाने के लिए आएगा तो जैसा आप सामने फिगर में देख रहे हैं इस तरह से कोई डायमेंशन नहीं, बट आपको ऐसा ही लगभग आपको बनाना है। ये आप देख सकते हो मैंने फिगर में डायमेंशन दिखाई है नट बोल्ट की, इसी डायमेंशन से हमें यहाँ पर नट बोल्ट बनाने हैं दोनों साइड में। तो हमें एक साइड में क्रॉस सेक्शन दिखाना है ऊपर में, तो हम ऊपर ही बनाएंगे केवल, नीचे वाले में ये हमें साइड से यानी सामने से नहीं दिखेगा। तो इसकी जो हेड की लेंथ, हेड की ऊंचाई है वो 12 mm है, तो 12 mm ऊंचाई काट लेते हैं। नट बनाने, नट बोल्ट बनाना मैंने आपको बताया था, एक सबसे पहले इसकी जो डायमीटर है वो 516 दिया गया है, इसका मतलब 32 mm की एक लाइन खींचकर उसके चार पार्ट कर लेंगे, और चारों पार्ट से इस तरह से हम, आप देख सकते हो मेरा लेक्चर, मैंने पहले लेक्चर में बताया कि नट और बोल्ट कैसे बनाते हैं, उसी तरह से हमने यहाँ पे नट और बोल्ट बनाना है। और यहाँ पर हाइट हमें दी है ऑलरेडी 12 mm की, उस तरह से हम यहाँ पर एक बोल्ट बना रहे हैं। तो जो बीच का जो ये बीच वाला जो सिरा है, ये बीच वाला जो लेंथ रहेगी, ये रहती है यहाँ पर 16 mm, और साइड में 4-4 mm। और अब इसके बाद 1.5D से हम प्रकार में दूरी लेकर यहाँ पर आर्क लगा सकते हैं, या मास्टर सर्किल से हम आर्क लगा सकते हैं, या मैन्युअली आप लगाना चाहें तो मैन्युअली आर्क लगा सकते हैं। तो आप एक कहीं पर दूरी ले लीजिए 1.5D की, डायमीटर 16 है, 16 1.5 × 16, तो ये लगभग 22 समथिंग आएगा।
और उससे आप ये आर्क लगा लीजिए। और ये सारा वर्क अभी आपको लाइट करना है जब तक आप श्योर ना हो जाए कि ये बिल्कुल करेक्ट आपने बनाया है। इसकी टोटल लेंथ 66 mm काट लेते हैं साइड में, और 66 mm से थोड़ा आप देख सकते हैं थोड़ा उभार बाहर निकला हुआ है, 66 mm काट लेते हैं। और इसमें 16 mm का नट हम लगाएंगे, जैसे आपने हेड बनाया ऐसे ही आपको नट बनाना है। तो इसके लिए आप दूसरी साइड से प्रोजेक्शन डाल दीजिए, केवल यहाँ पर क्या है हाइट चेंज हो रही है, ये 16 mm हो रही है यहाँ पर, वहाँ पर 12 mm थी, बाकी उसी के प्रोजेक्शन से आप ये बना सकते हो। आप देख रहे हो ये जो मैं कर रहा हूँ लाइट वर्क कर रहा हूँ, पहले अगर हम रफ करेंगे तो उसके मार्क नहीं रहते हैं और ड्राइंग आपकी साफ बनती है। जब ये बन जाता है नट और बोल्ट लग जाएगी सही बन गया है तो आप इसको इसके बाद में डार्क कर सकते हैं। आपकी पूरी फिगर आपको लग जाए कि सही बन गई है तो हम इसको डार्क कर देते हैं। अब आप इसके फिगर के हमें ऊपर वाला क्रॉस सेक्शन जो हाफ सेक्शन में बनाना है, तो ये ऊपर अंदर सिरे जो है गोल दिखाई देंगे, बाहरी सिरे में गोल दिखाई देंगे, तो मैंने ये कॉर्नर को रफ कर देता हूँ, इनको रफ करके हल्का सा उनको राउंड कर देते हैं। इसीलिए मैंने सबसे पहले सारा वर्क जो है वो लाइट किया है ताकि रफ करने पर उसके मार्क ना रहें और आसानी से उनको रफ किया जा सके। तो ये ऊपर वाले सिरे हम केवल ड्राउन करेंगे, ऊपर वाले यहाँ पर और बाकी फिगर को डार्क कर देते हैं, जैसा कि फिगर मैंने दिखाई थी आपको उस तरह की फिगर बनाएंगे। ऊपर का सिरा हाफ सेक्शन रहेगा तो हम इसको डार्क कर देते हैं, और यहाँ पर ये शाफ्ट क्योंकि हाफ सेक्शन में रहेगी तो सेंटर लाइन वर्टिकल सेंटर लाइन तक जो है ये डार्क दिखाई देगी शाफ्ट। और यहाँ पर आपको ये जो साइड में जो 5 mm का सिरा था वो बाहर निकला हुआ था आपने देखा था, ये बनाया हमने मार्क कर दिया यहाँ पर, बनाया है ड्रॉ किया है। तो अभी ये हमारी लगभग फिगर तैयार हो गई है, लगभग ड्राइंग तैयार हो गई है, दोनों को हमने असेंबल कर दिया है, पास पास लाद कर मिला दिया है,
बोल्ट से बांध दिया हमने। तो ये शाफ्ट हमें पूरी दिखेगी, तो ये बीच में ये लाइन नहीं दिखेगी, तो ये ऊपर तक ही रहेगा। साइड से भी इसको हम रफ करेंगे, केवल निचले वाले सिरे में ये ऊपर तक रहेगा, सेंटर लाइन तक। यहाँ पर हमें की लगानी है, की से शाफ्ट जोड़नी है। तो ये की डायमेंशन दी गई है 90 mm की है। लंबाई और चौड़ाई आप देख सकते हो, इसकी जो ऊंचाई है वो 10 mm है, तो यानी 5 mm ये शाफ्ट में रहेगी की और 5 mm ऊपर निकले रहेगी। तो मैं 5 mm ऊपर निकाल देता हूँ और इसकी 90 mm की ये लेंथ ड्रॉ कर देता हूँ। 5 mm ये नीचे रहेगी शाफ्ट में, तो ये नहीं दिखेगी, बट ये कैसे दिखाएंगे हम डॉटेड। जो चीज़ हमें नहीं दिखती है और वो होती है तो हम उसको डॉटेड दिखाते हैं, तो ये शाफ्ट में डॉटेड दिखाई देगी। और एक की 90 degree पर लगी होती है दूसरी शाफ्ट को जोड़ने के लिए, तो इसकी लंबाई भी वही 90 degree रहेगी, 90 mm रहेगी। और इसकी जो यहाँ पर चौड़ाई दी गई है वो 10 mm है ऊंचाई, सॉरी। तो ये आपको यहाँ 16 mm का सिरा दिखाई देगा, क्योंकि 90 degree पर लगी हुई थी। और बाकी जो रहा, अब नीचे वाला सिरा हम क्रॉस सेक्शन में नहीं रहेगा, तो ये हमें नीचे तक लाइन के रूप में दिखाई देगा। अंदर का सिरा अगर आप दिखाना चाहें तो डॉटेड दिखा सकते हैं, तो इस तरह से अंदर के जो सिरे हैं वो आप डॉटेड दिखा सकते हैं, यानी जो ऊपर वाला फेस दिख रहा है जैसा, उस तरह से हम डॉटेड नीचे दिखा सकते हैं। ये दोनों फ्लैंज को हमने यहाँ पर जोड़ा था। जो पहिया था उसका पोर्शन वो हमें दिखाई देगा, क्योंकि हम ऊपर से कटा हुआ पोर्शन बनाएंगे, तो इसके लिए ऊपर से कटा हुआ हाफ सेक्शन बना रहे हैं। हर परिस्थिति तो 45 degree पर हम इसकी मैचिंग कर देते हैं। तो दो पार्ट हैं, तो एक साइड में दोनों पार्ट की अलग अलग दिशा में 45 degree पर हैचिंग करेंगे। और ये हैचिंग 45 degree पर लाइट होती है और इक्वल स्पेस्ड होती है, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं। ये चूड़ी का मार्क कर रहे हैं जो इसकी डायमेंशन दी है। इसके बाद जहां पर आपको डार्क करना है, फिगर लग रही है इसकी डार्क नहीं है, उसको डार्क कर देते हैं। के बाद में साइड व्यू बनाना है, तो साइड व्यू बनाने के लिए सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये सेंटर लाइन ड्रॉ कर ली है। अब क्योंकि जो सारी डायमेंशंस थी वो साइड में फाई से थी, यानी सारी चीज़ें गोल थी, तो हमने ये ऊपर से एक साइड से प्रोजेक्शन ले लेंगे हम। प्रोजेक्शन केवल एक साइड से डालेंगे हम,
और जितने भी साइड में पोर्शन है ये हमें साइड से दिखाई देंगे, यानी ये नट दिखाई देगा, बोल्ट दिखाई देगा और नट दिखाई देगा नट, और यहाँ से ये शाफ्ट दिखाई देगी, शाफ्ट के प्रोजेक्शन, ऊपर से फ्लैंज के प्रोजेक्शन, डोज के प्रोजेक्शन और की के प्रोजेक्शंस, की के प्रोजेक्शन भी दिखाई देंगे, तो की के प्रोजेक्शन भी डाल देते हैं इस तरह से। और उसके बाद प्रकार लेते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें गोल हैं, फाई से हैं, फाई यानी डाया, डाया यानी व्यास, तो प्रकार में प्रकार लेते हैं, जहाँ जहाँ पर भी प्रोजेक्शन आए हैं वहीं पर ये सब राउंड बनेंगे। आप देख सकते हो बोल्ट बनेगा, बोल्ट का हमें फेस दिखाई देगा, बोल्ट बनाने हैं, कितने बोल्ट थे लिखा हुआ है डायमेंशन आपके, चार बोल्ट हैं, चार बोल्ट जोड़ा गया, तो हम चार बोल्ट बनाएंगे और ये इधर से हमें गोल दिखाई देगा। आपको बताया था मैंने फाइव डायमेंशन दी गई थी, तो ये हमने प्रोजेक्शन से प्राप्त कर लिया है। और इसी तरह से जो सेकंड प्रोजेक्शन आया है उस पर लाकर सेट करते हैं, और ये सेकंड वाली, और इसी तरह से सारे प्रोजेक्शन से जो लाइन आई है हमारी फाई की उन्हें हमें राउंड ही ड्रॉ करना है, शाफ्ट, बोस, फ्लैंज, ये सारी चीज़ें, यहाँ से शाफ्ट आई है, बोस आया है, से ये बॉस का, क्योंकि बॉस भी फाई था तो ये भी राउंड, और आप इसे साफ करते रहें ताकि डस्ट जो आप टॉप कर रहे हो उसके जो पार्टिकल्स हैं उससे ये काली ना हो। अब हम शाफ्ट बनाएंगे, तो शाफ्ट भी कटी हुई है, तो कटी हुई शाफ्ट है तो इसमें हैचिंग ही होनी चाहिए, तो शाफ्ट में ही की लगी है, तो दोनों दो की लगी हुई है, एक की तो हमें दिखाई नहीं देगी, तो जो की हमें दिखाई नहीं देगी उसे हम रोटेट बनाएंगे, और जो दिख रही है उसको हम डार्क बनाएंगे, उसका प्रोजेक्शन मैंने डाल दिया है ऑलरेडी। तो इस तरह से दोनों की बना देते हैं हम, और शाफ्ट को की हैचिंग करनी है इसके बाद में। इसके बाद यहाँ पर हमें नट बनाना है, तो नट के लिए सेंटर देख लेते हैं, और ये चार नट रहेंगे तो इसके सेंटर लाइन रहेगी, तो पिच सर्किल डायमीटर, यानी जहाँ पर हमारा प्रोजेक्शन आया था पिच सर्किल डायमीटर होता है पीसीडी से, हमने एक यहाँ पर लाइट सर्किल ड्रॉ कर लिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर इसके प्रोजेक्शन लाकर हम, ये स्केल तिरछा है तो इसके स्केल का ध्यान रखें, स्केल को टाइम टू टाइम सेट करते रहें, ये पैरेलल होना चाहिए ऑलरेडी खींची गई लाइन से, तो इसके प्रोजेक्शन से आप यहाँ पर नट के प्रोजेक्शन लाकर आप इसके फेस बना सकते हैं। जैसा आपने यहाँ सर्किल बनाया है ये इसी तरह के, तो आप चार सर्किल बनाएंगे, यानी चार बोल्ट हमें यहाँ पर बनाने हैं, नट के फेस हमें दिखाई देंगे। साइड के प्रोजेक्शन से हम इसके फेस बनाएंगे,
तो जितना ये सर्किल आया है, यानी जो सर्किल का डायमीटर था हमारा वो 32 था, तो 32 mm के यानी कि 32 mm डायमीटर था, तो 16 की रेडियस से हमने चार सर्किल बना लिए और चारों सर्किल इक्वल होंगे और इसके बीच में जो डायमीटर होगा 16 mm का होगा, यानी 8 mm रेडियस से हम इसके बीच में भी सर्किल बना लेते हैं या आप मास्टर सर्किल से बना सकते हैं। यहाँ पर आप मेजरमेंट लेकर भी स्केल से भी बना सकते हैं मार्क करके। तो 32 mm व्यास के यहाँ पर मैंने चार सर्किल बना दिए हैं। अब इन पर हमने क्या करना है, बोल्ट के फेस बनाने हैं, यानी जो आपको यहाँ पर नट और बोल्ट दिख रहा है, इसका जो फेस दिख रहा है नट का, यहाँ पर हमें उसके फेस बनाने हैं इस प्रकार से। सोलह mm की डिस्टेंस से हमने चारों जो सर्किल है उस पर मार्क करना है, उस प्रकार से यहाँ पर चारों बोल्टों पर हमने फेस बनाना है, जैसे कि हमें सामने से दिखाई देगा।
बोल्ट के फेस बनाने के बाद अपने जो साइड व्यू बनाया है उसको डार्क कर देते हैं ताकि और अच्छा लगे। जो जैसा हमारा साइड व्यू था फिगर में देख सकते हैं, हमें इस तरह से बनाना था, ये हमने बना दिया है और सारी फिगर को डार्क कर दिया और फाइनली आपकी ये फिगर इस तरह से बन जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।